हमारे साथ राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं, जिनको कि अब गुजरात का दायित्व सौंपा गया है। सर आपका स्वागत है। हिमाचल में सर आपने जो काम किए हैं उनका इनाम आपको गुजरात के रूप में मिला है। सर ये जो काम थे, जो 5-6 काम मुख्यतः गिना रहे हैं जो कि समाज से जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हुए हिमाचल के जो कार्यकाल आपका रहा है? हिमाचल प्रदेश में 4 वर्ष का कार्यकाल मेरा बड़ा सुखद रहा। गांव से लेकर सरकारी अधिकारियों से लेकर हमारे मंत्रिमंडल के लोग, पक्ष के विपक्ष के सभी लोगों ने बहुत मेरा सहयोग किया और मैंने यहां आकर के 5-6 बिंदुओं पर काम करना शुरू किया, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छता अभियान, साक्षरता अभियान, समरसता अभियान, जल संरक्षण अभियान, वृक्षारोपण अभियान और मुख्य रूप से नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि का अभियान। इन सारे मिशन्स में बहुत लोगों का स्नेह मिला और हम काफ़ी हद तक इसमें सफल हुए। आज प्राकृतिक खेती का मिशन इतनी तेजी से हिमाचल प्रदेश में जन आंदोलन का रूप ले चुका है कि इस समय लगभग 10,000 किसान इस खेती को व्यवहारिक रूप से अपने खेतों में कर रहे हैं और उनके उत्पाद बाजार में आ गए हैं। किसान इससे बड़े लाभान्वित हैं। यह प्राकृतिक खेती जिससे हमारे पर्यावरण की रक्षा होती है, जमीन की उर्वरा शक्ति बचती है, पर्यावरण बचता है, गाय का संरक्षण होता है, स्वास्थ्य लोगों को मिलता है, किसान की आय दोगुनी करने में यह पद्धति सफल है। मैं समझता हूँ कि मिशन भविष्य में भी चलता रहेगा और समय समय पर मैं भी आकर इसमें सहयोग करता रहूँ। हाँ सर, प्राकृतिक खेती की आपने बात कही है, मैं भी पालेकर जी के शिविरों में गया था, वो कई लोग कर रहे हैं इसको। आपके जाने के बाद आप वापस कह रहे हैं कि यहाँ पर आएंगे, क्या लगता है सर कि हिमाचल प्रदेश में कितनी जो है सक्सेस हो सकती है ये प्राकृतिक खेती, खासकर जो सेब बहुल इलाके जी? प्राकृतिक खेती हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से सफल मॉडल के रूप में उभर सकती है, बागवानों के लिए बहुत बड़ी गुणकारी है। हमारे कुछ बागवान मेरे से रोहडू क्षेत्र के मिले भी हैं, जिन्होंने बताया कि जिस बागीचे में रासायनिक खेती से 300 पेटियां थी वो हमारी 600 पेटियां हो गई और इस साल उसी बगीचे में 1200 पेटियों का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से यह कृषि उत्पादन भी बढ़ाती है, किसानों की हितकारी भी है और ये मिशन अब रुकने वाला नहीं, ये बराबर बढ़ता रहेगा। सर जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गर्त में फंसती जा रही है, आपने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए, अब क्या अपील करना चाहेंगे ताकि जो युवा है नशे की दलदल से बाहर निकल सके? मैं पिछले 4 वर्षों में अनेक स्कूल, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज में गया और बालकों और युवाओं से मिला और उनको समय समय पर मैंने अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरणा दी। नशा स्वास्थ्य, बुद्धि और आत्मिक विकास के लिए बड़ी बाधा है, इससे युवा पीढ़ी को बचना चाहिए। इस दिशा में एक आंदोलन का रूप बना है और मैं समझता हूं कि इस दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीर है और मैं चाहता हूं कि ये भी एक आंदोलन का रूप ले और इस देवभूमि को नशा मुक्त प्रदेश के रूप में जाना जाना चाहिए। आज सर गुजरात का कार्यभार कब आप संभाल रहे हैं और क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं गुजरात में, क्या हिमाचल की तर्ज पर भी वहाँ पर काम किया जाएगा? मैं इस 22 जुलाई को अपना कार्यभार संभाल लेना चाहता हूं और उसके बाद निश्चित रूप से जो मिशन मेरा हिमाचल प्रदेश में रहा है मैं उसी मिशन के साथ पूरी निष्ठा और परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ अपने इन कार्यक्रमों को और प्रदेश में जो आवश्यकता जिन बिंदुओं की रहेगी उन पे कार्य करता रहूं। समाचार फर्स्ट से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, उनका कहना है कि 22 जुलाई को जो है गुजरात का कार्यभार संभालने वाले हैं और जो हिमाचल में मिशन उन्होंने शुरू किया था उसको गुजरात में भी जारी रखा जाएगा। शिमला से अपने सहयोगी कमल ठाकुर के साथ पराक्रम, समाचार फर्स्ट।